हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन आइगन वेक्टर। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था शॉर्ट नोट्स ऑन आइगन वैल्यूज, इस लेक्चर में हम लोग शॉर्ट नोट्स ऑन आइगन वेक्टर के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हम लोगों ने आइगन वैल्यूज के टाइम में भी देखा था, बट फिर भी एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट टी सच दैट वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ बी अ लीनियर ऑपरेटर, then there exists a non-zero x belongs to v such that वो अगर x कुछ इस तरह का behave करता है, like t of x is equal to lambda x, then that x is called the eigen vector corresponding to the eigen value lambda। ये बात हमें पता है। इस particular x को हम लोग क्या कहेंगे? इस x को हम लोग कहेंगे कि वो eigen vector है lambda eigen value के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। रिजल्ट नंबर 1 जो है हमारा, वो कहता है let x belongs to v be an eigen vector corresponding to an eigen value lambda, then alpha dot x will be an eigen vector corresponding to lambda। मतलब क्या? अगर कोई x है हमारा eigen vector corresponding to lambda, जहां पे lambda उसका eigen value हो, तो वो जो x है वो तो eigen vector है ही, साथ में alpha dot x यानी कि जो भी scalar multiple होंगे उस eigen vector के, वो भी eigen vector होगा corresponding to the same lambda। scalar multiple of eigen vector will be an eigen vector for the same eigen value। ये कहता है ये particular result। next result आते हैं। next result कहता है let x comma y belongs to v are two eigen vectors of same eigen value lambda belongs to f। दो हमारे पास में eigen vectors हैं of same lambda। ठीक है, फिर वो कहता है कि इसका जो linear combination होगा alpha x plus beta y will also be an eigen vector corresponding to same lambda। एक चीज ध्यान से देखो यार, ये कहता है कि x और y दो eigen vectors होंगे of same lambda। एक ही eigen value के अगर दो अलग अलग eigen vectors हैं, तो वो कहता है कि उसका जो linear combination होगा वो भी eigen vector होगा उसी lambda के लिए। ठीक है, ये है हमारा result number 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा x comma y belongs to v with two eigen vectors। वही हमारा x और y कोई दो eigen vectors है, but इस बार वो जो eigen vector है वो distinct eigen values के corresponding है। यानी कि जो x है वो आपका lambda के लिए eigen vector है, और जो y है वो आपका mu के लिए eigen vector है, और lambda और mu दोनों आपस में distinct है, यानी कि दोनों unequal है। तब क्या होता है? तब वो कहता है कि ये जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा था उस वक्त, पहले वाले पॉइंट में जब आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा था, वो आइगन वेक्टर हो रहा था, बट इस केस में ये कभी भी आइगन वेक्टर नहीं बनेगा किसी भी आइगन वैल्यू के लिए। अगर दो आइगन वेक्टर अलग अलग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हो, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कभी भी आइगन वेक्टर नहीं बनेगा किसी भी आइगन वैल्यू के लिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक अगर x हमारा लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर है, y हमारा म्यू के लिए आइगन वेक्टर है, और लैम्डा म्यू दोनों अनइक्वल है, तो क्या x plus y, x minus y ये कभी भी आइगन वेक्टर बनेंगे किसी भी आइगन वैल्यू के लिए? कभी भी नहीं बनेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट आते हैं, आइगन वेक्टर करस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पोंडिंग जो भी हमारा आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जो हमारा ये x और y जो मैंने एग्जांपल लिया था, एक था लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, एक था म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, और लैम्डा म्यू दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तब x और y जो होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये बात आप हमेशा याद रखना, काफी टाइम्स इस चीज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग करते क्या है, अब हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया आइगन वेक्टर के बारे में। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक में स्पेस बनाने की कोशिश करता हूं, आइगन स्पेस जिसे हम कहते हैं, राइट। मैं एक सब स्पेस बनाने की कोशिश करता हूं v ओवर f का। तो मैंने क्या करा, मैं एक कलेक्शन लिया आइगन वेक्टर का कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा। s लैम्डा इज अ सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो s लैम्डा है, क्या ये s लैम्डा आपका आइगन स्पेस बनाएगा, यानी कि सबस्पेस बनाएगा? ये क्वेश्चन आपसे है, कमेंट करो यार, क्या ये सबस्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखो एक चीज नोटिस करो,
इसमें इसमें किस तरह के वेक्टर्स है। अब आइगन वेक्टर वगैरह भूल जाओ, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो एस लैम्डा है इसमें भले ही आइगन वेक्टर्स हो बट किस तरह के वेक्टर्स हैं। कोई एक नॉन जीरो वेक्टर है और उसके सारे स्केलर मल्टीपल और लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें दो या तीन आइगन वेक्टर मिल रहे तो उसके सारे लिनियर कॉम्बिनेशन ये सारे होंगे हमारे एस लैम्डा में, ठीक है। तो क्या उसमें जीरो वेक्टर आ रहा है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि आइगन वेक्टर वो वेक्टर हो सकता है जो कि नॉन जीरो हो और फिर आप उसे टी के साथ में ऑपरेट करोगे, अगर वो लैम्डा एक्स बनता है तब उस एक्स को आप कहोगे कि आइगन वेक्टर। बट इस केस में जीरो तो हमारा कहीं नहीं था और सबस्पेस के लिए हमें क्या होना जरूरी है? कोई ना कोई एक जीरो वेक्टर सबस्पेस में बिलोंग करना जरूरी है, तभी वो जो सेट है तो वो सबस्पेस बनेगा। यानी कि सबस्पेस बनने के लिए किसी एक पर्टिकुलर सेट को जीरो वेक्टर कंटेन करना जरूरी है, तभी वो सबस्पेस बनेगा किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए। तो क्या इसमें जीरो वेक्टर है? इसमें जीरो वेक्टर नहीं है फ्रेंड। तो जब हमें इसे आइगन स्पेस बनाना पड़ेगा तब हमें एस लैम्डा यूनियन जीरो वेक्टर लेना पड़ेगा, तब ये जो ई लैम्डा बना या फिर किसी किसी बुक में डब्ल्यू लैम्डा हम इसे लिखते हैं, इस ई लैम्डा को हम लोग कहते हैं कि ये है आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। इसमें किस तरह के करेक्शन होंगे? इसमें जीरो वेक्टर के साथ साथ में सारे आइगन वेक्टर के करेक्शन होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो यार ये जो आइगन वेक्टर हमारे बनेंगे तो इस आइगन वेक्टर के बारे में, ये जो आइगन स्पेस बन रहा है इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? चलो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से और डिटेली समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये आइगन स्पेस मेरा किस तरह का दिखेगा और किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। आई होप आप सभी ने आइगन वैल्यूज के ऊपर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था उसे काफी डिटेली पढ़ा होगा। तो चलो यार अब इस आइगन स्पेस को थोड़ा हम लोग सेट के फॉर्म में लिखते हैं। किस तरह के एलिमेंट्स होंगे इसमें? इसमें यार x belongs to v, पहली बात तो v पे belong तो करना ही चाहिए, such that a minus lambda i into x is equal to 0। a क्या है? जो हमारा कोई एक matrix given होगा वो है। तो a minus lambda i into x is equal to 0 अगर हो रहा है तब उस particular x का collection है ये e lambda। बात समझ रहे हो? तो ये हुआ आपका आइगन स्पेस का नोटेशन। इस तरह से आप आइगन स्पेस को रिप्रेजेंट करोगे और मैं इसके बारे में काफी अच्छे से आपको बता चुका हूं तो इसीलिए मैं और आगे डिटेलिंग नहीं बताऊंगा। तो चलो अब हम लोग इसको करते हैं कि अब हमारे पास में एक और कंसेप्ट आता है, वो है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा वो क्या होगा? वो कुछ नहीं होता, बेसिकली इसका डायमेंशन होता है। The dimension of E lambda will be the geometric multiplicity of lambda। ये बात समझ रहे हो? अब आप मुझे एक बात बताओ कि algebraic multiplicity क्या होता है? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था algebraic multiplicity हमारा वो multiplicity होते हैं कितना times आइगन वैल्यू आपका रिपीट कर रहा है, उस चीज को हम कहते हैं कि वो आपका algebraic multiplicity होगा। अब कुछ और बचे हुए रिजल्ट को देख लेते हैं। देखो पॉइंट नंबर 6 है हमारा, If every non-zero x belongs to V, सारे non-zero vectors, जो भी एक vector space है, अगर उसके सारे non-zero vectors एक eigen vector होते हैं, तब आप क्या कह सकते हो? Then T has unique eigen values say lambda। अगर भी जो vector है, उसके V आपका vector space है, अगर उसके सारे non-zero vectors अगर आपके eigen vector होते हैं, तब आप क्या कहना कि T has, वो जो matrix T has unique eigen value say lambda, या फिर transformation जो भी आप कह सकते हो, and T is equal to lambda i, यानी कि अगर वो matrix होगा तो कहीं ना कहीं वो आपका scalar matrix होगा। Next देखिए, ये काफी important point है friend, ये divisibility के ऊपर में है, भले ही आपके syllabus में included ना हो, but आपको ये चीज जानना काफी जरूरी है। देखिए, if number of eigen vectors, अगर जो number of eigen vectors है आपके particular matrix के लिए, अगर वो equal होता है order of the matrix, जितने number of eigen vectors हैं, उतने अगर आपके order of the matrix हो जाए, तब क्या कहोगे आप? तब आप कहोगे कि matrix जो है आपका वो diagonalizable होगा।
बात समझ रहे हो? अब आप कैसे फाइंड करोगे कि नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कितने हैं? तब सिंपली आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाए सारे लैम्डा के लिए, तब आप कह सकते हो कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो आपका डायग्नोजेबल मैट्रिक्स होगा। एंड लास्टली एक और चीज देखते हैं हम लोग, डेरोगेटरी मैट्रिक्स और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। देखो यार, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपका डेरोगेटरी मैट्रिक्स है या फिर नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स है। कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए भी आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करना आना चाहिए। आपको करना क्या है, ए माइनस लैम्डा आई निकालो, ए माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स बनेगा, आप उसका सिंपली नलिटी निकालो, तो वही हो जाएगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर द लैम्डा। ठीक है, देखो, इफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू वन फॉर ऑल लैम्डा, यानी कि सारे आइगन वैल्यूज के लिए अगर इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वन होता है, तब उस तरह के मैट्रिक्स को आप कहोगे कि वो आपका नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स है। इसको आप डेरोगेटरी नहीं कहोगे, इसको आप कहोगे कि नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब उस केस में आप कहोगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो आपका डेरोगेटरी मैट्रिक्स है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। If the degree of the characteristic polynomial of a matrix is equal to the degree of the minimal polynomial of the matrix, अगर दोनों के degree equal हो जाएं, characteristic polynomial का और minimal polynomial का, तब आप क्या कह सकते हो, ये जो matrix होगा ये आपका non-derivative होगा। और अगर characteristic polynomial का degree बड़ा हो जाए minimal polynomial के degree से, तब आप कह लेना कि वो आपका derogatory matrix होगा। तो ये सारा रिजल्ट्स था फ्रेंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर। आई होप आप सभी को काफी अच्छे समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा शॉर्ट नोट्स के ऊपर आने वाला है वो है आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो तब आप हमें कमेंट कर सकते हो फ्रेंड।